بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم प्यारे स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाए और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करें। आज का हमारे पास क्वेश्चन है कुलीनियर पॉइंट्स का। कुलीनियर पॉइंट्स, कुलीनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं? वो पॉइंट्स जो एक लाइन पे लाइज हो, इसको हम कहते हैं कुलीनियर पॉइंट। द पॉइंट्स विच लाइज ऑन सेम लाइन इस कार्लो लीनियर पॉइंट। वो पॉइंट्स जो एक लाइन्स पे लाइज हो, इसको हम कहते हैं कुलीनियर पॉइंट्स। अब देखिए आप, ये हमारे पास एक लाइन है, ये सेकंड लाइन है फॉर एग्जांपल, और ये हमारे पास है थर्ड लाइन। इस लाइन पे पॉइंट्स है ए बी और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सी, यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे लिखिए ए, यहाँ पे सी, यहाँ पे बी, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये आ गया डी, ये ए, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आ गया सी। यहाँ पे ए सी, हमारे पास ए सी का डिस्टेंस ये हमारे पास इक्वल है ए बी और बी सी के सम के, मीन्स ए बी प्लस बी सी के सम के। इसी तरह अगर इसी फिगर में, इसी लाइन में ले, तो ए बी हमारे पास इक्वल है ए बी डिस्टेंस हो ए सी और बी सी की इक्वल। इसी तरह बी सी हमारे पास इक्वल है ए बी, या बी ए, जो भी आप ले ले, ए बी प्लस ए सी। तो ये तमाम कंडीशन हमारे पास है कुलीनियर पॉइंट्स की। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट्स कुलीनियर है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहेंगे कि ये भी कुलीनियर पॉइंट्स है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहेंगे कि ये भी कुलीनियर पॉइंट्स है। अब इस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यूज डिस्टेंस फार्मूला शो दैट द पॉइंट्स ए फॉर एग्जांपल हमारे पास है -3 -4, बी हमारे पास है 2 6, और सी हमारे पास है 0 2 आर कुलीनियर। अब हमने ये शो करना है कि ये पॉइंट्स हमारे पास क्या है, कुलीनियर। तो इन तीनों कंडीशन में एक कंडीशन जरूर सेटिस्फाई होगा। अगर एक भी कंडीशन इन तीनों में सेटिस्फाई हो जाए तो ये पॉइंट्स हमारे पास क्या होगा, कुलीनियर। यहाँ पे हमारे पास है सोल्यूशन में ए, हमारे पास है गिवन ए इज इक्वल टू, जो कि आर्डर पेयर में है -3 -4, बी है 2 6, C
हमारे पास है 0 2 यहां पे पॉइंट्स है हियर ये x1 सो x1 इज इक्वल टू -3 ऑर्डर पेयर में ये है y1 सो y1 इज -4 b के ऑर्डर पेयर x2 इज इक्वल टू 2 y2 इज इक्वल टू 6 ये x3 सो x3 इज इक्वल टू 0 y3 इज इक्वल टू 2 अब हमने ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है फिर बी सी का डिस्टेंस फाइंड करना है लास्ट में ए सी का डिस्टेंस फाइंड करना है फिर किसी दो डिस्टेंस को ऐड करेंगे ताकि इसका आंसर तीसरे की इक्वल आ जाए फिर हम कहेंगे कि ये पॉइंट्स हमारे पास रियल है तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी अब हमने इसका फार्मूला डिराइव किया था वी नो दैट we know that distance between A and B is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square and square अब इसमें values put कर ले put values अब वो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे ताकि अब देखिए यहाँ पे x2 की जगह पे लिख के 2 माइनस x1 की जगह पे लिख के -3 होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे लिख के 6 माइनस y1 की जगह पे लिख के -4 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 6 minus minus plus 4 whole square and square root. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा AB distance is equal to 2 plus 3 5 square plus 6 plus 4 is 10 square square root. 5 square means 25, 5 multiply 5 plus 10 multiply 10 is 100. इससे हमारे पास आ जाएगा 125. 125 को हम लिख सकते हैं इसी तरह 5 multiply by 5 multiply by 5. तो इसको ये दो figures हैं इसको एक बाहर निकाल लें और इसको उसके रूप में लिख के. तो AB हमारे पास आ जाएगा 5 into 5 square root. अब हम find ये तो AB का distance है अब हम find करेंगे BC का distance फिर last में AC का distance हो तो अब हम find करेंगे now we find the distance between B and C second number पे हम find करेंगे distance between B and C we know that BC is equal to x3 minus x2 whole square plus y3 minus y2 whole square and square root. अब जो इसमें values put कर ले, put values, तो हमारे पास आ जाएगा x3 की जगह पे लिख के 0 x2 की जगह पे लिख के 2 so 0 minus 2 whole square plus y3 की जगह लिख के 2
और एक्स वाई टू की जगह लिख के सिक्स, यहां से हमारे पास आ जाएगा माइनस टू होल स्क्वायर प्लस यहां से आ जाएगा माइनस फोर कॉस स्क्वायर। तो माइनस टू को दो दफा मल्टीप्लाई कर ले, सो टू मल्टीप्लाई टू इज फोर प्लस फोर फोर सिक्सटीन। तो अब यहां से हमारे पास आ जाएगा फोर और सिक्सटीन को ऐड कर ले ट्वेंटी, ट्वेंटी को हम लिख सकते हैं इसी तरह टू मल्टीप्लाई बाई फाइव। अब तो ये दोनों सेम है, इसको बाहर निकाल ले तो टू स्क्वायर रूट फाइव इज इक्वल टू बी सी। ये हमारे पास आ गया बी सी डिस्टेंस ऑफ, और यहाँ पे हमने फाइंड किया है ए सी का डिस्टेंस ऑफ। अब हम फाइंड करेंगे ए सी का डिस्टेंस ऑफ। लास्ट में हम फाइंड करेंगे ए सी का डिस्टेंस ऑफ। नाउ वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। ए सी हमारे पास है वी नो दैट, ए सी इज इक्वल टू एक्स थ्री माइनस एक्स वन होल स्क्वेयर प्लस वाई थ्री माइनस वाई वन होल स्क्वेयर होल स्क्वेयर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर ले, पुट वैल्यू एक्स थ्री हमारे पास इक्वल है जीरो और एक्स वन हमारे पास इक्वल है माइनस थ्री के स्क्वेयर रूट प्लस y3 हमारे पास इक्वल है टू माइनस वाई वन हमारे पास इक्वल है माइनस फोर होल स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा जीरो माइनस माइनस प्लस थ्री प्लस टू माइनस माइनस प्लस फोर होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। यहाँ से आ जाएगा थ्री स्क्वायर प्लस टू प्लस फोर सिक्स होल स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा थ्री मल्टीप्लाई थ्री नाइन प्लस सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स इज ऑफ थर्टी सिक्स। यहाँ से आ जाएगा फोर्टी फाइव। ए सी हमारे पास आ गया 45 स्क्वायर रूट। इसको हम लिख सकते हैं इसी तरह ए सी इज इक्वल टू 45 को 3 मल्टीप्लाई 45 9 5 और 45 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9 9 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 3 को बाहर निकाल ले तो हमारे पास आ जाएगा ए सी। अब अगर हम ए बी बी सी और ए सी को ऐड कर ले, नो एडिंग बी सी प्लस ए सी, अगर इसको हम ऐड कर ले मीन्स इसका आंसर हमारे पास है 25 स्क्वायर रूट प्लस इसका आंसर हमारे पास है 35 स्क्वायर रूट। तो इन दोनों को कॉमन ले ले, इन दोनों को ऐड कर ले 2 प्लस 3 इज 5 स्क्वायर रूट और ये हमारे पास इक्वल है ए बी के। तो यहाँ पे लिख के ए बी डिस्टेंस मीन्स बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी। और ये हमारे पास था इन तीनों में एक कंडीशन था, कौन सा कंडीशन था हमारे पास, ये सेकंड कंडीशन था। यहाँ पे सेकंड कंडीशन प्रूव हुआ तो इससे पता चलता है कि ये पॉइंट्स हमारे पास क्या है, कोलिनियर। दस द पॉइंट्स आर कोलिनियर मींस ये एक लाइन की लाइंस करता है। इंशाल्लाह फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।